की पहल अच्छी है, जो भी इनको हमारी बैंक से सहायता चाहिएगी हम इनका पूरा प्रयास करेंगे। ये इच्छा तो सर ने मुझे दिया ही है, गणेडीवा सर ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे मैं एक और अपना ई रिक्शा ले सकती हूं। महिलाओं ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है कि सर हमारे पास एक ई रिक्शा है, हम 25-30 हज़ार रुपया महीना कमाते हैं, हम एक ई रिक्शा और खरीदना चाहते हैं। लाखों का ई रिक्शा लेने के लिए बैंक मैनेजर को फॉर्म भरकर दे रही सुनीता महज कुछ समय पहले तक बेटी के लिए 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदने का सोचती तो उसके माथे पर पसीना आ जाता था। चौंकिए मत, ये बात 16 आना सच है। सुनीता का जीवन जितना आसान दिख रहा है उतना था नहीं। सुनीता की माँ बताती है कि दूसरे पति के छोड़ने के बाद बेटी 5-10 रुपए के लिए भी तरसती थी। ये मतलब कोई भी काम पहले इतनी मजबूरी थी इसकी कि मतलब 5 रुपए के लिए 10 रुपए के लिए तरसती थी, इसे उधार लेना पड़ता था इसको। अब तो मतलब भगवान ने जब भी इसको टेम्पो किया दिया जब से अच्छी है जीवन में। सुनीता को किस्मत ने ऐसी ठोकर मारी थी कि पहली शादी तो छोड़िए दूसरी भी ना चल सकी। ऊपर से दो ससुराल की सताई सुनीता पर अचानक से बूढ़ी माँ और बेटी की जिम्मेदारी आ गई थी। अचानक से परिवार का बढ़ता बोझ, 0 इनकम और जमाने भर की मुश्किलों ने सुनीता की कमर ही तोड़कर रख दी थी। लेकिन समय ने करवट बदली, फिर क्या था, सुनीता आज अपना ई रिक्शा लिए बड़े हौसलों के साथ मंदसौर की सड़कों पर सिर उठाकर घूमती है। ये हौसला दिया है गणेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने। समय ने करवट ही ऐसी बदली कि कभी 5-10 रुपए के लिए भी तरसने वाली सुनीता अब अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करने लगी है। उसकी ITR की फाइल ही 25,000 रुपए महीना दर्शा रही है। ये संभव हो पाया है मंदसौर के गणेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट से। ट्रस्ट से ई रिक्शा की चाबी मिली और सबसे पहले बेटी सरकारी स्कूल से निकलकर इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगी। अच्छे से मैं लड़की को पहले सरकारी स्कूल में पढ़ा पा रही थी, अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, अच्छे से कर रही हूँ उसका सब कुछ। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है वो भी, मतलब एक तरह से ये सोच लो कि बहुत अच्छा हो गया। मतलब एक लाइफ में जैसे हस्बैंड की जगह रहती है वह मेरे को रिक्शा से मिली हर चीज़। नहीं भी शादी करूँ तो भी मैं अपना मैनेजमेंट कुछ कर सकती हूँ, अपना जीवन निकाल सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। मतलब एक समय था कि मैं हर चीज़ के लिए तरसती थी, 10-10 रुपए के लिए, 5-5 रुपए के लिए, मतलब सब के लिए, मतलब टेंशन में रहती थी एक तरह से हर चीज़ से। लेकिन रिक्शा मिलने के बाद तो ऐसा लगा है कि मेरे को जीवन में कुछ आगे बढ़ने की, खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंड होने के लिए। ऐसी महिलाओं को चयन किया गया जो सोसाइटी के बहुत पीछे एरिया में बैठती थी, क्योंकि उनके पति ने या तो उन्हें छोड़ दिया था या वो विधवा हो गई थी। उन महिलाओं को चयन करके अपने आप को स्वावलंबी बना करके और सोसाइटी के सामने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया गया कि आज की महिला सक्षम है और सशक्त है। वो पुरुषों के किसी भी काम से या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है, यह हमारी बहनों ने प्रूव किया है और बहुत अच्छे से मंदसौर को ये मैसेज दिया है। और ये मैसेज एक बार नहीं दिया, ये मैसेज मंदसौर में हर रोज जाता है। जब ये ई रिक्शा इस तादाद में 70 ई रिक्शा मंदसौर में घूमते हैं, आप मंदसौर में कभी भी निकल जाइए आपको 5-6 ई रिक्शा दिखते हैं और आपको हर बार याद दिलाते हैं कि महिला सशक्त है, महिला अब पुरुष प्रधान हम कह सकते हैं सोसाइटी पर, महिला भी उन पुरुषों से अब कम नहीं है। घर की हरियाली कायम रखने के लिए पौधों को पानी देती सुनीता की जिंदगी की जड़ों को गणेडीवाल ट्रस्ट ने न सिर्फ सींचा बल्कि जड़ें इतनी मजबूत कर दी गई हैं कि फिर कभी सुनीता की जिंदगी में उस तरह का सूखा ना आ सके। इसके लिए ट्रस्ट ने ऐसी तरकीब लगाई कि हर दिन एक निश्चित इनकम हो सके। आज सुनीता के घर में वो सब सुख सुविधाएं हैं जो एक आम आदमी के घर में होती हैं। और ये सब देखकर सुनीता को जानने वाले आज दंग हैं। गणेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मिले ई रिक्शे के पहिए मंदसौर की सड़कों पर जैसे जैसे फर्राटे मारते गए वैसे वैसे ही सुनीता के सपने भी बड़े होते गए। ये वो सपने हैं सुनीता जिन्हें देखने का
इससे पहले साहस ही नहीं जुटा पाई थी। एक ई रिक्शा की चाबी तो मिली गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट से, लेकिन अब सुनीता का सपना है कि इससे होने वाली कमाई से दूसरे ई रिक्शा की चाबी भी उसकी जेब में हो। सुनीता ही नहीं, उसके घर की तंग गलियों को भी दूसरे ई रिक्शा का इंतजार है, जो अब जल्द पूरा होने जा रहा है। ई रिक्शा में इतना अच्छा बेनिफिट मिला मुझे कि मैं अब ये सोच रही हूँ कि एक ऑटो और ले सकूँ और अपना मतलब पर्सनली खुद का भी एक ऑटो और चला सकूँ मैं, ताकि इससे हमें आगे चल के और कोई दिक्कत नहीं आए, ताकि हमारी आगे की लाइफ अच्छी हो और हमको देख के ही और भी औरतें हमको देख के ही आगे बढ़े। कुछ महिलाएं ई रिक्शा चलाते चलाते एंटरप्रेन्योर भी बन गई है। उनके पास ई रिक्शा था, हर महीने 25-30 हज़ार रुपये वो बैंक में जमा करती थी, उनकी अपनी एक बैलेंस शीट बन गई। अब उन महिलाओं ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है कि सर हमारे पास एक ई रिक्शा है, हम 25-30 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, हम एक ई रिक्शा और ख़रीदना चाहते हैं आपके लोन बैंक से लोन लेकर के। उस ई रिक्शा को अपने किसी रिश्तेदार को, अपनी बहन को दे करके वो ये चाहती हैं कि अब वो भी स्वावलंबी बने, और उनका ये सपना है कि वो एक दो नहीं, वो इस तरीके से 5-7-8 ई रिक्शा कालांतर में खरीदे और सिर्फ एक ई रिक्शा की ड्राइवर न बन जाए, वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाए। तो यह भी एक बदलाव नज़र आया है महिलाओं में, उनके कॉन्फिडेंस में और उनके सशक्तिकरण में। आज सुनीता की इनकम देखकर बैंक वाले भी हैरान हैं। हैरानी हो भी क्यों ना, इधर खाता खुला और उधर हर महीने खाते में 25 हज़ार जो आने लगे। इसी इनकम के दम पर ही तो नए नए सपने संजोए जा रहे हैं। इनमें एक सपना दूसरा ई रिक्शा लेना भी है। सुनीता की ITR की फाइल देखते ही बैंक वालों ने भी कह दिया है, लाखों का ई रिक्शा खरीदने के लिए सुनीता के पास पर्याप्त कागज हैं। गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला ई रिक्शा और उससे होने वाली कमाई का पूरा लेखा जोखा सुनीता के कागजों में शामिल है। अब जब चाहे सुनीता बैंक से एक और ई रिक्शा ले सकती है। इनकी फाइल हमारे पास में आई ई रिक्शा के लिए, जो भी वर्तमान में ई रिक्शा भी चलाते हैं, परिवार का घर पूरा घर पोषण यही चलाते हैं। इनकी पहल अच्छी है और जो भी इनको हमारी बैंक से सहायता चाहिएगी हम इनका पूरा प्रयास करेंगे। इसको जो इन्होंने फाइल हमारी बैंक में दी, एक्चुअली इनका मंथली ट्रांजेक्शन लगभग अप्रोक्स इनकी जो अर्निंग्स है मंथली 25,000 है, जो सफिशियंट है एक छोटे परिवार को चलाने के लिए और किसी बैंक से लोन लेके EMI भरने के लिए। एक्चुअली हमने पूरी फाइल रीड करी है, अगर इनको बैंक से कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो तो बैंक इनको इजीली प्रोवाइड करवा देगा। ई रिक्शा से हुई कमाई से दूसरा भी ई रिक्शा ही क्यों, ये सवाल कई लोगों के जहन में उठा। गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने जब इस सवाल का जवाब जानने का प्रयास किया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सुनीता का जवाब था, जो जिम्मेदारी मेरे पहले या दूसरे पति को उठाना थी वो जिम्मेदारी इस ई रिक्शा ने उठाई है, दो दो पतियों ने छोड़ा है। लेकिन गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट से मिले ई रिक्शा के एक्सीलरेटर ने हाथ थामा है। पहले ई रिक्शा को पति मान चुकी सुनीता अब बेटे के रूप में भी दूसरा ई रिक्शा ही चाहती है। बैंक में मैंने अपनी फाइल सबमिट की और सर ने मुझे अच्छे से समझाया कि मेरा लोन पास हो जाएगा और उसका ब्याज वगैरह सब मिला के सब कुछ अच्छा से समझाया मेरे को सर ने, इससे मैं अपना एक और ई रिक्शा ले सकती हूँ। और ई रिक्शा तो सर ने मुझे दिया ही है, गनेड़ीवाल सर ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और इससे मैं एक और अपना ई रिक्शा ले सकती हूँ। आज गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट और ई रिक्शा का साथ है तो सुनीता बेटी के लिए सुनहरे भविष्य के सपने भी पुरोने लगी है। इसकी तस्वीरें भी मंदसौर की सड़कों पर नजर आने लगी हैं, जहां बेटी का बेहतर भविष्य ई रिक्शा का इंतजार करता हुआ नजर आता है। इन सड़कों के लिए सुनीता जब घर से निकलती है तो गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट से मिले इस अभूतपूर्व सहयोग के लिए ईश्वर को नमन करना नहीं भूलती। पेट पूजा की तैयारी, ट्रस्ट की ड्रेस पहनकर भगवान की पूजा अर्चना, और फिर सुनीता सिर उठाकर थामती है ई रिक्शा की चाबी। चाबी घूमी फिर क्या, मंदसौर की सड़कों पर सुनीता का हाथ थामकर हौसलों की उड़ान भर पड़ता है। गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला ई रिक्शा, ई रिक्शा का साथ है, दूसरा आने को तैयार है। जरूरतमंद महिलाओं की चिंता करने वाला गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट,
सर्दी के मौसम में गरीबों की चिंता बखूबी करता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी गर्म कपड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं।